नमस्कार, मैं रुचि जैन, लेक्चरर इंटीरियर डेकोरेशन, गवर्नमेंट विमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा। आज हम थर्ड ईयर के सब्जेक्ट एनआईएस के अंदर ड्राइंग एंड प्रैक्टिकल एक्सरसाइज ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्लावर अरेंजमेंट में ड्राइंग एंड प्रैक्टिकल एक्सरसाइज ऑन टाइप्स ऑफ वेस्टर्न स्टाइल फ्लावर अरेंजमेंट पर चर्चा करेंगे। इसमें हम ड्राइंग्स के बारे में जानेंगे प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के लिए, जैसा कि मेरा पिछला वीडियो था जिसमें हमने फ्लावर अरेंजमेंट को बनाना सीखा था कि किस तरह से हम उसमें फ्लावर अरेंज करेंगे। और इस वीडियो में हमें हमें कैसे स्केचिंग करनी है, कैसे ड्रॉ करना है वो जानेंगे। इसे हम कलर्स से भी बना सकते हैं और इसके अंदर हम इसको कलरफुल भी बना सकते हैं और सिंपल इंक से भी हम इसके अंदर रेंडरिंग शेडिंग कर सकते हैं। इन सबको बनाने के पहले हम फ्लावर अरेंजमेंट कैसे होते हैं एक बार देख लेते हैं। ये है ट्रायंगुलर फ्लावर अरेंजमेंट। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। फॉर एग्जाम्पल, इधर भी चार फूल दिख रहे हैं, इधर भी चार दिख रहे हैं, इधर भी चार दिख रहे हैं। इसी तरह फिलर्स में भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बन रहा है। ये काफी खूबसूरत अरेंजमेंट होता है। जनरली इसको कई जगहों पे, जैसे होटल्स हैं उनके काउंटर्स पे लगाया जाता है या फिर किसी कॉर्नर पे भी लगाया जा सकता है। ये काफी खूबसूरत अरेंजमेंट होता है अगर इसे अच्छे से बनाया गया हो तो। इसके बाद आता है ये क्रिसेंट फ्लावर अरेंजमेंट। जैसा चंद्रमा में कलाएं होती हैं उसी तरह की ये कला इसके अंदर दिखाई हुई है। बहुत ही खूबसूरत होता है क्योंकि ये कर्व शेप है। कर्व शेप में अपने आप में एक लावण्यता होती है, एक आनंद का सूचक होता है, इसलिए ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसको बनाते समय ध्यान दिया जाता है कि सेंटर में डार्क कलर और बड़े फूल लिए जाते हैं और ऊपर जाते जाते छोटे फूल फ्लावर्स और लाइट कलर्स या कि छोटी कलियां इसके अंदर ऐड की जाती है। ये देख रहे हैं आप उगाथ फ्लावर अरेंजमेंट और एस शेप फ्लावर अरेंजमेंट भी इसको बोलते हैं, जैसा इसमें एस शेप दिख रहा है। इसके लिए हमें थोड़ा लंबा पॉट की जरूरत होती है ताकि ये हम इसको अच्छे से दिखा सकें। इसमें भी बीच में इसको बड़े फ्लावर यूज करके और ऊपर जाते जाते इसको कम फॉलेज को कम कर दिया जाता है। इसी तरह से एक और फ्लावर अरेंजमेंट होता है डायगोनल फ्लावर अरेंजमेंट। सेंटर में वही थोड़ा मास होता है, ज्यादा फ्लावर्स होते हैं, ऊपर जाते जाते कम हो जाते हैं और एक डायगोनल लाइन को यूज किया जाता है, इसलिए इसको डायगोनल फ्लावर अरेंजमेंट कहते हैं। ये है सर्कुलर फ्लावर अरेंजमेंट, जिसमें अगर आप प्लान से देखेंगे तो भी इसका सर्कल बनेगा और फ्रंट से भी ये अच्छा सा ऊपर से बिल्कुल प्रॉपर बना हुआ है। तो ये सर्कुलर फ्लावर अरेंजमेंट है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। जब आपके पास कुछ नहीं है, कुछ स्टिक्स ही हैं और उनको आप एक लंबे पॉट में डाल देते हैं तो वो एक सर्कुलर फ्लावर अरेंजमेंट बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये परपेंडिकुलर फ्लावर अरेंजमेंट है क्योंकि ये लंबाई में ज्यादा है, इसकी चौड़ाई कम है। जैसे जैसे इसके अंदर समबाहु त्रिभुज न बन के समद्विबाहु त्रिभुज बन सकता है और ये काफी लंबा है, इसलिए इसको परपेंडिकुलर फ्लावर अरेंजमेंट कहा गया है। ये है स्पाइरल फ्लावर अरेंजमेंट। जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये पूरी तरह ये पीछे जाते हुए भी स्पाइरल हो रहा है, स्प्रिंग की तरह, इसलिए इसको स्पाइरल फ्लावर अरेंजमेंट बोला जाता है। ये भी काफी खूबसूरत लगता है, किसी भी काउंटर पर इसको रखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। यह है सेमी सर्कुलर फ्लावर अरेंजमेंट। जैसा कि आप देख रहे हैं सेंटर में मास ज्यादा फ्लावर्स हैं और ऊपर जाते जाते ये पतला होता जाता है, फॉलेज कम होता जाता है। ये भी वेडिंग्स वगैरह में इसको यूज किया जाता है, काफी सुंदर लगता है। तो ये अभी तक हमने जाने कि कैसे कैसे फ्लावर अरेंजमेंट्स होते हैं। अब हमें उसकी ड्रॉइंग्स देखनी है तो हमें कैसे बनाना है उन्हें वो। उसको हम सिंपल इंक भी कर सकते हैं, उसके अंदर डार्क शेडिंग भी कर सकते हैं और हम इसमें कलरिंग भी कर सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा रही हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारे यहाँ इसमें हमने बनाया हुआ है ट्रायंगुलर, साइड ट्रायंगल, सर्कुलर, सेमी सर्कुलर, डायगोनल, हॉरिजॉन्टल, ओवल, क्रिसेंट, स्पाइरल, ओगाड, परपेंडिकुलर, ये फ्लावर अरेंजमेंट बनाए हुए हैं जिनमें हमने इंक और कलर दोनों को यूज करके इन्हें बनाया है। यहाँ हमने इंक थोड़ी कम यूज की है और ब्रश पेन यूज करते हुए इनको थोड़ा ब्राइट दिखाया है, काफी
अच्छे से दिखने में आ रहे हैं, लगभग समझ में आ रहा है कि हमें इनको कैसे बनाना है। ये हमने कलरफुल बनाए हैं, इसमें भी हमने कलर यूज़ किया है, इसमें हमने लूना स्टेडलर कलर्स यूज़ किए हैं और ये भी लूना स्टेडलर कलर को ही यूज़ करते हुए इसमें शेडिंग की हुई है। देन यहाँ पर हमने इंक को यूज़ किया है, इससे ही हमने इसको शेडिंग की है, इसी में हमने रेंडरिंग की है। नेक्स्ट ये भी वही इंक से है, इसमें हमने थोड़ा इनको बनाना सीखा। ड्राइंग्स में हम इस तरह से बनाएंगे, जितने भी फ्लावर अरेंजमेंट हैं उनको इस तरह से हम ड्रॉ करके बनाएंगे। तो आज हमने जाना वेस्टर्न फ्लावर अरेंजमेंट, जो कि बेसिक शेप्स होती हैं उनका हमने फ्लावर अरेंजमेंट बनाना ड्रॉ करना सीखा। थैंक यू वेरी मच।